सुख समृद्धि और खुशहाली जरूर आएगी। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में लाल किताब में बताए गए उपाय। सबसे पहला उपाय है, मिथुन राशि वाले जातक को कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन माने ज्यादा मसालेदार भोजन उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय है, उन्हें मछलियों को कैद से मुक्त करना चाहिए, यानी कि फिश टैंक से लेकर मछलियों को कुएं या तालाब में उन्हें छोड़ना चाहिए। तीसरा उपाय है, मिथुन राशि वाले जातक को अपने घर में कभी भी पशु और पक्षी को नहीं पालने चाहिए। अपनी माता का पूजन करें और 12 वर्ष से कम उम्र वाली कन्या का पूजन करें। मिथुन राशि वाले जातक को फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए और धर्मस्थान में दूध और चावल चढ़ाने चाहिए। आपको प्रतिदिन मूंग भिगोकर कबूतर को खिलाने चाहिए और सूर्य की हमेशा उपासना करनी चाहिए। गुरु की उपासना से आपके जीवन में सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातक कभी भी हरे रंग का इस्तेमाल ना करें। मिथुन राशि वाले जातक को बेल्ट का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर उसे निर्जन स्थान में गाड़ देना चाहिए। और एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, मिथुन राशि वाले जातक यदि बाएं हाथ में चांदी का छल्ला धारण करते हैं तो उनकी जीवन की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएगी। और आखिरी उपाय एक मैं आपको बताता हूँ, आपको एक हरे रंग की बोतल लेनी है, उस बोतल में आपको गंगा जल भर लेना है। सूर्यास्त के समय पर यह बोतल निर्जन जगह पर किसी भी पेड़ के नीचे आपको गाड़ देनी है। तो दोस्तों, ये थे मिथुन राशि के लिए लाल किताब में बताए गए उपाय। किसी भी समस्या का एकमात्र उपाय यही है कि आप उस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करें और उसे दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा और शीघ्र से ही कार्य करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कर्म करने के बाद भी कुछ अच्छा फल प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर आज बताए गए लाल किताब के उपाय का प्रयोग कीजिए, आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ।